जय हिंद दोस्तों कुलदीप सिंह हियर वेलकम टू तो दी ड्रॉ सीरीज और हम लोग बात कर रहे हैं आपके जी एस प्रेपरेशन के बारे में और ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ दिस इज ऑन जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट सो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं जो है पांच सेशन ले चुका हूँ दिस इज गोइंग टू बी दिस सिक्स सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन जो है बेनिफिट कर रहे होंगे ऑलरेडी हम लोगों ने जो है हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है जोग्रफी इन्वायरमेंट चल रहा है एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अदर जी सब्जेक्ट्स एंड uh, इसी के साथ जो है लेटस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डू ट्वेंटी एम सी क्यूज़ एंड इन एम सी क्यूज़ को जो है आपको जैसे मैंने बोला है साथ में जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और वीडियो को साथ साथ में पॉज करते रहना है और वहाँ पे जो है आपको अपने आंसर्स को लिख के अपना फाइनल टोटल जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है गाई सो so चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ बाई नहीं की है टेस्ट सीरीज़ जो है वो अटैम्प्ट नहीं करी है तो आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हो जिसमें कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग जैसे कि एक्यूरेसी आपको पता चलेगी आपको जो है अपना लेवल पता चलेगा बहुत सारे जो है इस तरह के हमने पैरामीटर्स निकाल रखे हैं जो कि आपको आ, आपके एम सी क्यू प्रेपरेशन में एनालिसिस में हेल्प करने वाला है का सो ऐप में जाके इसे यूज़ कर सकते हैं अगेन कमिंग टू इंडियन जोग्राफी सो वी आर गोइंग टू टॉक इंडियन जोग्राफी हीयर अभी तक हमने जो है वर्ल्ड और फिजिकल जोग्राफी लिया था आज जो मैं एम सी क्यू लेने वाला हूँ दिस विल बी बेस्ड ऑन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया ठीक है जी सो so, चलो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर आते हैं कंसीडर uh, और अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ठीक है जी ये रेंजेस को जो है माउंटेन रेंजेस को आपको साउथ टू नॉर्थ लगाना है लद्दाख जास्कर रेंज है लद्दाख पीर पंजाल एंड काराकोरम सो साउथ टू नॉर्थ जाना है ध्यान रखना है इसको ठीक है जी सो so, वीडियो को पॉज करो कंसिडर दि वॉट इज आंसर इज थ्री वन टू एंड फोर सो आंसर आपका आता है डी ठीक है सबसे नीचे कौन सी आपकी पीर पंजाल रेंज है उसके बाद आपका जो है लद्दाख जास्कर रेंज है उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज एंड उसके बाद आपकी कारागोरम रेंजेज हैं ठीक है, है, है जी सो so, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्लॉक माउंटेन जो हैं दे आर क्रिएटेड जब बड़े बड़े ब्लॉक जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं वर्टिकली अरावली जो है वो एग्जाम्पल uh, हैं ब्लॉक माउंटेन्स है, है, का इंडिया में और रायजाना हिल जो दिल्ली में है दिस इज़ पार्ट ऑफ द अराइवली सिस्टम इनमें से कौन सा जो है आपको इनकरेक्ट है वो आपको बताना है सो so, वीडियो पॉज करो दोबारा का स्टेटमेंट्स पढ़ो फिर दोबारा आंसर देना है इसको आंसर इज टू ओनली सो अरावलीस इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन इट इज़ बेसिकली ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम है या रिलेक्ट माउंटेन सिस्टम जिसे हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल इंडिया में कौन सा है दिस इज विंध्यास ठीक है जी सो विंध्यास का एग्जाम्पल है सो so, याद रखना है बाकी दोनों चीज़ें जो है दे आर एब्सोलूटी सही जो अरावली माउंटेन्स हैं ये जो है रायजना हिल जो, जो, जो हम लोग देखते हैं जहाँ पर आपको नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक मिलता है वो जो है इट इज पार्ट ऑफ योर Uh, अराबली सिस्टम ठीक है जी नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट से बात करते हैं इन हिल्स को हमें जो है वेस्ट टू ईस्ट लगाना है मीन्स वेस्ट वाली हिल्स को पहले लगाना है एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट सो जयंती हिल्स हैं नागा हिल्स है बैराल रेंज है बूम रेंजेस हैं इनमें से जो है आपको क्या करना है करेक्ट आंसर लगाना है वीडियो पॉज करो फटाफट से आंसर दो तो इसका आंसर क्या है सो द आंसर इज ए वन थ्री टू एंड फोर सबसे पहले आती है आपकी जयंती हिल्स जयंती हिल्स के बाद जो है यू विल फाइंड बैराल रेंजेस बैराल रेंजेस के बाद जो है यू विल फाइंड नागा रेंजेस एंड फाइनली जो है आपका क्या है दिस इज पटकाई बम सो ये जो है इसका राइट क्रोनोलॉजिकल आंसर है सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ईस्टर्न गार्ड जो है दे आर मोर कंटिन्यूअस देन वेस्टर्न गार्ड्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट जो है नीलगिरीज़ में मिल रही हैं अनामुड़ी जो है वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है तो आपको करेक्ट आंसर बताना है वीडियो पॉज करो फटाफट से आंसर बताओ उसका सो द करेक्ट आंसर इज ओनली टू एंड थ्री सो ए इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ईस्टर्न घाट्स नहीं है ये बहुत डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं ये जो आपकी वेस्टर्न घाट्स है ये कंटिन्यूस आपको हिल रेंज देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट दोनों जो है नीलगिरी से मिल रहे बिल्कुल सही अनामुडी जो है वेस्टर्न घाट्स की हाईस्ट पीक है और अमराकोंडा नॉट महेंद्रगिरी जो है इट इज दी हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट सो ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर हो गया इस ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं फटाफट से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल हाईलैंड सो सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर यह

पेनिसुलर ब्लॉक ठीक है जी तो ये जो पोर्शन है आपका मोस्ट ऑफ इट इज ईस्टर्न इंडिया में मिलता है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है बट दिस इज़ पार्ट ऑफ योर पेनिस्लर ब्लॉक एंड नॉट दी पूर्वाचल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेवन इज अशन रीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नो रिवर ओरिजिनेट्स इन राजस्थान जो कि सी में जाती है कोई भी सब रिवर ऐसी नहीं जो राजस्थान में सी में जाती है बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान प्लेन जो है वो डेजर्ट है सो so इन में से कौन सी चीज़ जो है या कौन सी स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन सही हैं? वीडियो पॉज करो आंसर दो तो अपना फटाफट सो आंसर जो है इसका दैट इज सी ए इज़ इन करेक्ट बट आर इज करेक्ट क्योंकि देर इज़ वन रिवर कॉल्ड एज साबरमती साबरमती जो है वो क्या करती है वो बेसिकली आपका रावलिस की तरफ से निकलती है एंड अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है तो ये जो है जरूरी मतलब देर इज़ वन विच इज़ गोइंग टू सी सो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन एंड सेकेंड जो है मोस्ट ऑफ इट्स प्लेन्स आर डेजर्ट ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट हम लोग देखते हैं कंसीडर अगेन असेशन फॉर रीजन है वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया के वो बहुत अच्छे कंडीशन देते हैं नेचुरल हार्बर्स के बनने में या पोर्ट्स के डेवलपमेंट में रीजन क्या है इसका कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो समज कोस्टल प्लेन्स हैं तो इनमें से कौन से जो है स्टेटमेंट सही है ठीक है जी वीडियो पॉज करो आंसर दो अपना

सी uh, का जो है इनलेट अंदर की तरफ को रहा है तो ये भी जो है आपके पोर्ट से हार्बर बनने में काफ़ी ज्यादा मदद कर देते हैं ठीक है एग्जाम्पल जैसे कि आप मुंबई पोर्ट की बात कर सकते हो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात कर सकते हो मारमा गोवा गोआ पोर्ट के बारे में बात कर सकते हो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ कंसिडर दी फॉलोइंग और अरेंज दी फॉलोइंग कंट्रीज बेस्ड ऑन की इंक्रीजिंग ऑर्डर कि कितनी वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं सो चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ठीक है जी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है कम से कम वाला पहले एंड देन उसके बाद जो है आपको सबसे बड़ा आपको लास्ट में लगाना है सो so, इसका आंसर क्या है बेसिकली आंसर ए सबसे पहला जो है दैट इज़ पाकिस्तान देन उसके बाद जो है सेकेंड इज चाइना एंड थर्ड जो है इट इज़ बांग्लादेश तो बांग्लादेश जो हमारा क्या है लार्जेस्ट लैंड नेबर है इसके बाद जो है आपको देखने में मिलता है दैट इज़ चाइना एंड देन इज़ पाकिस्तान बांग्लादेश अराउंड फोर थाउजेंड समथिंग जो है किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना जो है इसका थोड़ा ही कम है थर्टी नाइन हंड्रेड के आसपास में पाकिस्तान इससे कम है देन क्वेश्चन नंबर टेन के ऊपर आते हैं फटाफट से कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया जो हमारे देश में कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं वो देखिए गुजरात कोस्टल प्लेन जो है वो एस्टुअरीज बनाते हैं कोरोमंडल जो कोस्ट है वहाँ पे लेक लगूंस मिलते हैं जिन्हें हम क्याल्स बोलते हैं ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के जो कोस्ट है उनको हम नर्दन सरकार बोलते हैं या उनको जो है लोकली नर्दन सिकार बोला जाता है ठीक है जी कौन सा इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है वीडियो पॉज करो अपना आंसर दो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो सारी सो द करेक्ट आंसर हेयर इज दैट वन एंड थ्री ठीक है जी सो so, ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है इट इज़ नॉट दी कुरुमंडल कोस इट इज़ दी मालाबार कोस जो आपको केरला uh, uh, में देखने को मिलती है वहाँ पर आपको जो है बैकवाटर्स और क्या देखने को मिलते हैं एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नदरन प्लेन्स नदरन प्लेन्स के बारे में जो है इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बतानी है ठीक है तो करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखना है भाई ठीक है uh, भंगर जो है इट इज़ अ न्यू एलुवियम अलॉन्ग विद रिवर बेड एंड फॉर्म्स टेरेसिज विच इज हाइयर देन फ्लड प्लेन खादर जो है इट इज़ कंपोज ऑफ ओल्ड एलुवियम एंड फॉर्म्स फ्लड प्लेन अलॉन्ग विद द रिवर बैंक्स ठीक है जी सो so, दोनों में से आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सो so आप वीडियो पॉज करो अपना आंसर दो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट ठीक है जी सो इट इज़ नॉट ओल्डर खादर जो है वो कंपेरेटिवली न्यू एलुवियम होता है जो कि नदी लेके जाती है एंड भंगर जो है वो रिलेटिवली ओल्ड एलुवियम होता है ठीक है नदी जब बहती है तो उसके जो फ्लड प्लेन्स में हर साल या फ्लडिंग के टाइम पर जो भी सिल्ट डिपॉजिट होता है इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं इसको हम लोग खदर बोलते हैं और इसके पीछे के जो लैंड होते हैं पीछे के जो डिपॉजिट होते हैं जो पहले कभी डिपॉजिट हुए होंगे और काफ़ी सालों से वहाँ पे कोई नया सेडिमेंट नहीं आया होता इन्हें हम लोग जो है भंगर या भंगार बोल देते हैं ठीक है जी सो दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ चलते हैं फटाफट से कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सतपुरा रेंजेस सो आपके सतपुरा रेंजेस के बारे में आपको बताना है कि इट इंक्लूड्स मैकाल रेंज इन द ईस्ट एंड राजपीपला हिंद इन वेस्ट राजपीपला वेस्ट में मिलती है मैकाल ईस्ट में मिलती है आपको एंड इट स्ट्रेच टू दाइडेस्ट पार्ट ऑफ पैनेसुलर इंडिया थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इन स्टेट से निकल रही है ठीक है जी पंचमिरी जो है इसी रेंज के ऊपर लोकेटेड है सो so, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है आपके दीज आर करेक्ट सो आंसर जो है इसका क्या है भाई वीडियो पॉज करके बताओ आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है जी सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन हम लोग देख लेते हैं कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन है ड्रेनेज पैटर्न इज अ पैटर्न विच इज फॉर्म बाई स्ट्रीम्स रिवर्स और लेक्स इन इन अ पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन ठीक है जी जो अलग अलग वाटर वाटर स्ट्रीम्स होती हैं बॉडी रिवर सॉरी आपका जो वाटर बॉडीज होती हैं वो जो है इस तरह के पैटर्न बनाते हैं जिन्हें हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न में क्या होता है स्ट्रीम जो है वो बाहर की तरफ को रेडिएट करती हैं जनरली वोल्केनोज में ये आपको देखने को मिलता है एंड ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डिसकोडेंट

डियल पैटर्न बोलते हैं सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया बाकी दोनों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिवर फ्रॉम राइजेसर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट पूर्णा प्रणहिता इंद्रवती एंड सबरी जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है बना रखा है तेलंगाना में इनमें से हम लोग कौन सी नदी के बारे में ये बात कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करो आंसर तो अपना फटाफट किस नदी के बारे में बात हो रही है सो द करेक्ट आंसर इज़ गोदावरी ठीक है जी सो so ये सारे जो हैं आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये प्रोजेक्ट और इसका जो सोर्स है वो गोदावरी का ही दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं हम लोग एंड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शावारथी रिवर ठीक है जी शावारी रिवर आपने जो आई होप सुनी होगी इट दिस रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है शावारी जो है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ओरिजिनेट करती है और जेसोपा पॉल जो है वो शावारथी के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सो so, जो स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी वो है वीडियो पॉज करो आंसर इज टू एंड थ्री ठीक है सिर्फ यही दो जो स्टेटमेंट है करेक्ट है बिकॉज शावरती जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ये टूवर्ड वेस्ट अरेबियन सी की तरफ को ड्रेन करती है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ शावरती के ऊपर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग जोग फॉल्स या जरसोपा फॉल्स बोलते हैं जो कि इंडिया के हाइस्ट वाटरफॉल्स भी हैं ठीक है जी हाइएस्ट डिस्टेंस से गिरने वाले वाटरफॉल्स शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है सो आंसर आपका क्या आता है टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के ऊपर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं फटाफट से कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस ठीक है जी इनमें से कौन सी नदियाँ जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है काबुल हुंजा नुब्रा एंड गोलम ठीक है जी सो so, आपको वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से ऑप्शन देख के आंसर बताओ इसका सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ठीक है सो so, काबुल हुंजा नुब्रा गोलम ये सारी की सारी जो है यहाँ क्या है दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑफ़ ऑफ इंदस जिसमें से जो है आपका नुब्रा को छोड़ के बाकी सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो आइदर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में आके इसको मिल रही हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखते हैं फटाफट से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया हिमालय सेपरेटेड ओवर बाय फाइव स्टेट्स हिमालय सॉरी सेपरेट स्प्रेड बाय ओवर बाय फाइव स्टेट्स पांच जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें स्प्रेड हैं वेस्टर्न घाट जो है वो पांच uh, जो स्टेट्स हैं उनमें स्प्रेड कर रखे हैं और पुलिकट लेक जो है वो सिर्फ दो स्टेट्स में स्प्रेड है ठीक है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वीडियो पॉज करो फटाफट से आंसर दो अपना सो आंसर हेयर इज़ इट इज़ थ्री ओनली ठीक है जी सो इंडियन जो आपका हिमालयाज है इट इज़ नॉट स्प्रेड ओवर फाइव स्टेट्स पांच स्टेट्स से ज़्यादा है ठीक है जी एंड आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो आपके माउंटेन रेंजेस मिलते हैं वो भी हिमालयन माउंटे रेंजेज पूर्वांचल बोल देते हैं जैसे कि आपका बहुत सारी रेंजेज दाफला मेरी अबोर मिशमी हिल्स हैं ठीक है जी सो so, ये सारी आ, नागा हिल्स हैं मिजो हिल्स हैं सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिमालयाज ओनली सो नॉट फाइव स्टेट्स ये ऑप्शन गलत है आपका वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो स्प्रेड इन मोर देन फाइव स्टेट टोटल सिक्स स्टेट्स हैं आपके सो so अगेन ये भी गलत है आपका सो so, पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और आपके जो तेलग सॉरी तमिलनाडु है उसके बीच में जो है वो बाउंड्री बनाता है सो so ये दो स्टेट्स में है तो दिस इज कम्पेरिटि दिस इज़ करेक्ट एंड आंसर आपका आता है बी थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ सो कॉल्ड दक्षिण गंगा इंक्लूड ठीक है दक्षिण गंगा की जो है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है मूसी प्रणहिता मंजिरा और वेनगंगा ठीक है जी सो so आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर वीडियो पॉज करो फटाफट से आंसर बताओ सो so आंसर इसका जो है दैट इज टू थ्री एंड फोर ठीक है जी टू थ्री एंड फोर ठीक है मूसी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है दक्षिण गंगा पहले हम किसको बोलते हैं दक्षिण गंगा जो है बोला जाता है गोदावरी को ठीक है जी दक्षिण गंगा भी बोलते हैं वृद्ध गंगा भी बोल देते हैं उसको गोदावरी की जो है मूसी ट्रिब्यूटरी नहीं है मूसी जो है इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर एंड बाकी जो है प्रणहिता ये सारी जो है किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है इट्स एन एक्टिव वोल्केनो जो कि इंडियन टेरिटरी में मिलता है अंडमान निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है और डंकन पैसेज जो है वो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को सेपरेट करता है इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है सो so, वीडियो पॉज करो आंसर दो अपना फटाफट इसका आंसर जो है दैट इज अगेन थ्री ओनली ठीक है जी दिस इज थ्री ओनली ठीक है सो कल्ला जो इनकरेक्ट कौन कौन सा आपका लिटल निकोबार ग्रेट निकोबार डंकन पैसेज जो है वो आपका लिटल अंडमान एंड सॉरी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है डंकन पैसेज एंड लिटिल निकोबार ग्रेट निकोबार को नहीं करता ठीक है सो ये आपका ऑप्शन हो गया देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन से स्टेट से निकलता है सो so, आपको हमेशा याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने शहरों से या कितने आपके राज्यों से निकल रहा है ये आपको पता होना चाहिए सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से स्टेट से निकलता है उत्तर प्रदेश त्रिपुरा राजस्थान नागालैंड तो आपको जो है करेक्ट आंसर बता है वीडियो पॉज करो ऑप्शन देखो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज टू एंड थ्री ठीक है जी बी टू एंड थ्री सो सिर्फ त्रिपुरा और आपका राजस्थान जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकल रहे हैं गाइस ठीक है जी सो so, आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट ऑफ जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं दे आर बेस्ड ऑन मैप और मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन सो मेक श्योर जब भी आप तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी की स्पेशली इंडियन फिजियोग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मैप जो है काफी अच्छे से देख के जाना है मैप को काफी अच्छे ऑब्जर्वेबली अपने रीड करना है सो so दैट आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना होगा इस सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन अगेन अपने कप, uh, जो आपके भी मार्क्स ले रहे हो आप जो भी अपने मार्क्स लिए अभी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो एंड वी आर गोइंग टू कम बैक आई एल बी टू मोरो आई एल कम बैक टू मोरो एंड हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट दी क्लाइमेट एंड दी सॉयल एंड वेजिटेशन पोर्शन थैंक यू वेरी मच बहुए